तो कहते हैं ना दोस्तों, जिसका काम उसी को सजे और कोई करे तो हिंगा बाजे। बात तो सही है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये इंसान रिचुअल्स यानी हिंदी फिल्म्स और ऐसी फिल्में करेगा जो कि इसके बस की नहीं है, मैं तुम सब लोगों की गर्दनें उड़ा दूंगा। और ऐसी स्मूथ स्मूथ फाइटिंग वाली पिक्चरें करेगा तो भाई इसके कहानी के बाहर है, तो भाई वो पिक्चर फ्लॉप है ऑब्वियसली जाएगी। और ये ऐसा इंसान है जिसकी लेवल रेबल और कंपटीशन जिसका कोई कर ही नहीं सकता, जिसकी खुद की फीस ही 100 करोड़ है, तो भाई इसकी कौन कंपटीशन करेगा। आ चुका है सलार का ट्रेलर। अभी तक मेरे को पता थी कि भाई डायरेक्टेड बाय प्रोड्यूस बाय सब बताऊंगा, लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सबसे पहले सब्सक्राइब करें, ये हमारे टीजर का रिव्यू है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो गुरु लोग, आज सुबह सुबह ट्रेलर देखने के बाद मेरे को एक चीज बड़ी अच्छी सी लगी कि भाई सलार का जो पहला पार्ट है केसेस इन द फायर, इसका सेकंड पार्ट भी आना है, काफी अच्छी चीज लगी कि मेरे को इन्होंने पार्ट्स में डिवीजन करा। केसेस इन द फायर के पहले टीजर का रिएक्शन मेरे को बहुत अच्छा लगा। और सबसे पहले इसकी ज्ञान की बात करते हैं तो भाई डायरेक्टेड बाय प्रशांत और प्रोड्यूस बाय विजय भाई। तो भाई और जो इसकी लीडिंग कास्टिंग में अपने प्रभास सर तो है ही है, प्लस कास्टिंग की बात करते हैं इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग जिनको देखना हर कोई चाहेगा, पृथ्वीराज, टीनू आनंद और तो और ऐश्वर्या राय, ओ भाई श्रुति रेड्डी, एक जो ऐसा कैरेक्टर जो मेरे को ऑब्वियसली हमेशा विलन में अच्छा लगता, साउथ का जगपति बाबू, मतलब इसका कैरेक्टर ना विलन के लिए बना था, तभी करके हर पिक्चर में बेचारे को विलन बना देते हैं और इसमें भी इसको विलन का रोल मिला। और ये तो बात रहेगी ज्ञान की, अब आगे चलते हैं इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के लेके। टीजर के सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट अगर मैं बताऊं तो ये स्टोरी का इन्होंने काफी हाइड कर दिया, और पॉजिटिव ही है क्योंकि भाई जो टीजर अगर स्टोरी बता देगा तो भाई फिर कहानी देखने का मजा नहीं रहता। और सेकंड पॉजिटिव पॉइंट भाई इन्होंने जिस तरह की सिनेमैटिक साउंड के साथ, सिनेमैटिक टच के साथ, मतलब अगर आप अपने एयरपोर्ट्स या किसी हेडफोन्स में सुनोगे तो भाई मजा आने वाला आपको ऑब्वियसली। हम नेगेटिव पॉइंट्स में चले तो भाई साहब नेगेटिव पॉइंट तो देखो मेरे को बड़ी मिल ही जाते हैं, अंकल जो कि पूरे टीजर को डिफाइन कर रहे हैं वो इन सब चीजों को काफी ऑकवर्ड तरह से डिफाइन कर रहे हैं, वो सब चीजें थोड़ी सी कहीं ना कहीं मजा खराब कर रही है, इसके अंदर नहीं होना चाहिए, तो शायद दूसरे डिफरेंस होता तो मजा हो रहा है। बाकी एक ऐसा शॉट जो कि मेरा फेवरेट रहा जो कि अपना प्रभास भाई का जो रेबल वाले रूप में आया वो बहुत मजेदार है। और आपको कैसा लगा टीजर मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि भाई मजा इतने टाइम से जो चल रही थी ना कंट्रोवर्सी उसका इतना बड़ा रिजल्ट निकल कर आया। तो अभी तक के लिए वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएगा और इसके ऊपर हम टॉक शो भी निकालेंगे, वो उसका जरूर मजा लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।